हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एग इन अ होल। उसके लिए दो एग में हम डालेंगे करीबन 4 टेबलस्पून मिल्क, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर करीबन 1/4 टीस्पून, और फिर इसे बहुत अच्छे से विस्क कर लेंगे जब तक इसके ऊपर बबल्स ना आ जाए। उसके बाद हम एक ब्रेड लेंगे और कुकी कटर की मदद से इसके बीच में हम होल बना देंगे कुछ इस तरीके से। और फिर हम एक पैन लेंगे और उस पर डालेंगे बटर और उसे मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पे जो ब्रेड में हमने होल बनाया था उसे लेंगे और साथ ही साथ अंडे वाला बैटर जिसे हमने बहुत अच्छे से विस्क किया था वो लेंगे और उस ब्रेड को उस बैटर में डिप करेंगे दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से। और फिर उसे इस पैन में हम डाल देंगे कुछ इस तरीके से, और इसे दोनों साइड से बहुत अच्छे से हम कुक कर लेंगे जब तक ये ब्राउन कलर ना हो जाए। और इसे अब हम फ्लिप कर लेंगे क्योंकि ये एक तरफ से हो गया है। लाइक सो। और अब इसके बीच में हम डालेंगे एक होल एग जिसका एग योक अच्छे से मैंने निकाला है, उसे इसके ऊपर डाल देंगे और ये हमारा एग इन अ होल बनके तैयार हो रहा है। अब इसे इसके साइड में हम पानी के छींटे दे देंगे कुछ इस तरीके से और इसे तुरंत ही हम कवर कर देंगे और इसे एकदम लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। एंड यू कैन सी कि हमारा टेस्टी डिलीशियस एग इन अ होल बनके बिल्कुल ही तैयार है। ये ऊपर से जिगल कर रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं है। इसी तरीके से हम सेकंड भी बना लेंगे और वापस से इसमें पानी के छींटे देंगे कुछ इस तरीके से और फिर इसे तुरंत ही कवर कर देंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। उसके बाद इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट अगर आप चाहते हैं तो, और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे ओरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। अगर आपको ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स बहुत पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मिक्स हर्ब्स भी बिल्कुल से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप नमक और काली मिर्च भी डाल के खा सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है और इस तरीके से बनाने से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई होप गाइस कि आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। बाय बाय।